हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम बात करते हैं डीएनए की। डीएनए क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं डीएनए, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक ऐसा पार्ट है हमारे बॉडी का, एक ऐसा पार्ट जो हमारे लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि जो लक्षण हमारे पेरेंट्स के अंदर होते हैं, उनके कुछ लक्षण हमारे अंदर, मतलब उनके संतान के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो मतलब कार्य करता है वो डीएनए करता है। तो किस तरीके से करता है और ऐसा क्यों करता है, चलिए हम जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा डायग्राम, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डायग्राम बना होता है डीएनए का। देखिए, ये डीएनए का डायग्राम है और ये कुछ इस तरीके से बना होता है। ये द्विकंडलीय मॉडल होते हैं, मतलब कि ये दोहरी संरचना होती है, ये एक संरचना में नहीं बनी होती है। ये जो डीएनए होता है उसकी जो संरचना होती है वो हमेशा दो जोड़ में बनी होती है, ओके। चलिए बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको बताया कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब बात करते हैं कि व्हाट इज दिस डीएनए, डीएनए क्या है, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल। कह रहा है कि डीएनए इज द लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल, मतलब कि डीएनए जो हमारा होता है वो सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ओके। डीएनए सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल होता है। एंड कह रहा है, हैविंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबोस सुगर फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस, मतलब कि जो हमारा डीएनए होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड से इसका निर्माण जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड के निर्माण से मिलने से बनता है, इसलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ओके। चलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता दे रही हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया कि डीएनए सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स है और इसका निर्माण न्यूक्लियोटाइड के मिलने से होता है। जो हमारा डीएनए होता है उसका जो निर्माण होता है, मतलब कि जो डीएनए बनता है वो कुछ न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है, ओके। और दूसरी चीज गाइस, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड मिलने से बनता है तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोटाइड से मिलने से बनता है, और जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो जैसे कि मतलब कि हमारी जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनती है वो डीऑक्सी राइबोस सुगर फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस से बनती है। किससे बनती है? डीऑक्सीराइबोस सुगर फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस से बनती है, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं, ओके। अब बात करते हैं आगे की, चलिए, ओके। तो इसलिए इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं आगे देखिए, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं, जो हमारा न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, जैसा कि जो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, कौन सी मैं आपको बता रही हूँ, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है मतलब डीऑक्सी राइबोस सुगर फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस से, वो ठीक है। तो उसमें जो नाइट्रोजन बेस होता है, कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, वो एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन से मिलकर बना होता है। किससे? एडेनिन ग्वानिन और थायमिन एंड साइटोसिन से बना होता है, कौन? नाइट्रोजनस बेस। तो पहले इसको हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, आप डीएनए को बहुत अच्छे से समझिएगा। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए सेल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, जो न्यूक्लियोटाइड के मतलब कि जिसका निर्माण न्यूक्लियोटाइड के मिलने से होता है, और इस वजह से इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो डीऑक्सी राइबोस फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है, और जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है वो एडेनिन ग्वानिन थायमिन एंड साइटोसिन से मिलकर बना होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं।
कह रहा है कि इट इज द डबल स्टैंड लेयर लाइक डबल हॉलिकल्स, ठीक है, क्या कह रहा है, इट इज द डबल स्टैंडर्ड लेयर लाइक डबल हेलिकल मॉडल हैविंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज द डबल स्टैंडर्ड लेयर, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है या दोहरे धागे की संरचना होती है, कैसी होती है, या दोहरे धागे की संरचना होती है जो मुड़ी हुई होती है और इसके अंदर जीवित जंतु की जेनेटिक फॉर्मेशन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंचाई जाती है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है उसका यूज क्या होता है कि वो एक पीढ़ी से, मतलब कि हमारे पेरेंट्स के करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल बॉन्ड का होता है, वो सिंगल बॉन्ड का नहीं होता, वो डबल बॉन्ड का होता है जो हल्का मुड़ा हुआ होता है। और ये जीवित जंतु मतलब कि लिविंग एनिमल्स जेनेटिक फॉर्मेशन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा डायग्राम डीएनए का होता है कुछ इस तरीके से बना होता है, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने आपको बताया था जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, वो नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं गाइस, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, चार हमारे बेस होते हैं, ठीक है। और जो हमारे ये चारों बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे डीएनए को मतलब कि जो दो बॉन्ड होते हैं उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसा कि एडेनिन जो हमारा होता है वो थायमिन से जुड़ा होता है, देखिए यहाँ पे रेड वाला जो हमारा है वो येल्लो वाला से जुड़ा है, तो रेड वाला हमारा क्या है, एडेनिन है, और येल्लो वाला हमारा थायमिन है, तो एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है और थायमिन जो हमारा होता है वो एडेनिन से जुड़ा होता है, ठीक है, डायग्राम को देखते जाइएगा। और जो हमारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ा होता है और जो थायमिन होता है वो एडेनिन से जुड़ा होता है। इस तरीके से प्रोसेस हमारे लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो जो हमारा मतलब कि नाइट्रोजन बेस होता है वो नाइट्रोजन बेस क्या करता है, डीएनए के दोनों चेन्स मतलब कि दोनों चेन्स को जोड़ने का कार्य करता है, मतलब कि जो दो डीएनए के जो दो चेन्स होते हैं उनको जोड़ने का कार्य नाइट्रोजनस बेस करता है, ओके। और नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो जो हमारी मतलब ये हमारा देखिए बेस पेयर है, ठीक है, जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, ओके। और देख लीजिए आगे चलिए बात करते हैं, अब आगे क्या हमारा बता रहा है कि डीएनए क्या, अभी तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी डीएनए के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी डीएनए कैसे बनता है, किन से निर्माण होता है, किन किन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनना होता है, अब कुछ नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। डीएनए जो होता है वो लाल रक्त कोशिका या हम ये कह सकते हैं रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को छोड़कर आपके शरीर में लगभग हर कोशिका में डीएनए या जेनेटिक कोड होता है जो कि हमको डीएनए में पूरे जीवन के विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होता है। जो हमारा डीएनए होता है वो रेड ब्लड सेल को छोड़कर आपके शरीर में हर एक सेल में डीएनए जेनेटिक कोड के रूप में होता है जो डीएनए में पूरे जीवन विकास, वृद्धि, प्रजनन और कार्य के लिए निर्देश होते हैं, ओके। और मानव शरीर में मौजूद सभी डीएनए को अगर सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होते हैं कि सूर्य तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। गैस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डीएनए होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारा डीएनए होता है वो हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से बना होता है कि वो पूरी बॉडी में लिपटे होते हैं, जैसे कि चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे होते हैं, कुछ इस तरीके से हमारे बॉडी में पूरे बॉडी के अंदर डीएनए लिपटे होते हैं बहुत ही महीन धागों के रूप में। अगर उन्हें सुलझाया जाए और एक एक करके जोड़ा जाए तो वो इतने बड़े होते हैं कि वो सूर्य तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी तक आ सकते हैं। तो डीएनए हमारा इतना बड़ा होता है, ओके गाइस। दूसरी चीज चलिए आगे देखते हैं, ये हमारे अनुवांशिक कोड में अंदर ही वह कारण है कि व्यक्ति की भूरे रंग की बजाय नीली आंखें होती हैं, पक्षियों के केवल दो पंख होते हैं और क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ठीक है, और डीएनए एक जटिल लंबा जंजीर जैसा दिखने वाला अणु होता है, ओके। तो यहाँ पे ये मतलब है कि जो हमारा डीएनए है, ओके,
यहाँ पे क्या मतलब है कि देखिए, मतलब कि इसी वजह से हमारा मतलब डीएनए जो हमारा इतना बड़ा होता है, ठीक है, इसी का यही कारण है कि हर एक एनिमल्स, हर एक ह्यूमंस के अंदर अलग अलग तरह तरह के बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी के मतलब हमारी आंखें की भूरी होने की बजाय नीली होती हैं, या नीली होने की बजाय भूरी होती हैं, और पक्षियों के दो पंख होते हैं, जिराफ की लंबे गर्दनें होती हैं। तो यही कारण है, ओके। और जो मतलब कि जो जीवित जीव के अनुवांशिक विशेषताओं को इनकोड करता है, वो पौधों और जानवरों में डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ कॉम्पैक्ट संकुचित संरचनाओं के रूप में पाया जाता है, जिसे कोशिका नाभिक या सेल न्यूक्लिक में रहने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। व्हाट इज दिस क्रोमोसोम या गुणसूत्र? मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी जो क्रोमोसोम और गुणसूत्र के होंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि गुणसूत्र और क्रोमोसोम, मैं आपको एक छोटी सी चीजें बता दे रही हूँ। आपने एक वीडियो देखा होगा केंद्रक, केंद्रक में जो एक पतली सी धागे के रूप में संरचना दिखाई दे रही थी, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, गुणसूत्र तंतु या गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, ओके। तो उसी को हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, क्रोमोसोम और गुणसूत्र पर, ओके। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डीएनए हो गया, ठीक है। बस आपको डीएनए के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको डीएनए बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेनी है, या आपको और भी कुछ जो समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और आगे इसमें मैं आपको क्या बता दूं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको क्रोमोसोम में बनाऊंगी एंड गुणसूत्र, ओके।